राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इलाज। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कुशीनगर जिले के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें 40 प्रकार के बीमारियों का चिन्हीकरण कर उन्हें फ्री में इलाज के लिए गोरखपुर सावित्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है। उसी क्रम में आज कुशीनगर जिले के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम कर रहे मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा जन्मजात विकृति होठ एवं तालु कटि 5 बच्चों को डॉक्टर राहुल त्रिपाठी के प्रयास से स्माइल ट्रेन संस्थान के द्वारा निःशुल्क इलाज के लिए स्माइल ट्रेन से जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया के निर्देशन पर 5 बच्चों को आज ऑपरेशन के लिए सावित्री हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि इसमें सावित्री हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा योगदान है। सर, RBS के टीम के माध्यम से जो है मरीजों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? हमारे यहाँ जो RBS की टीम काम करती है वो स्कूलों में जाके और आंगनबाड़ी स्कूल जाके बच्चों का परीक्षण करती है। तो जो बच्चे उनको जन्मजात विकलांगता से या किसी बीमारी से पीड़ित मिलते हैं, उनको एक हमारी टीम जो है उनका निःशुल्क उपचार कराती है। आज इस प्रकार से 5 बच्चे जिनके होंठ और तालु कटे हुए हैं, उनको हम स्माइल ट्रेन संस्था गोरखपुर वहाँ उपचार के लिए भेज रहे हैं।